राजनीति में आस्था बदलते हुए वैसे तो वक्त नहीं लगता है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में खूब दल बदल हुआ। किसी के पिता तो किसी के बेटे ने पार्टी बदल ली। पार्टी बदलने वाले किसी का पिता का बेटा तो किसी की बेटी सांसद है। एक बेटा ऐसा भी रहा जिसकी माँ सांसद है। कुछ सांसद स्वयं चुनावी मैदान में उतरे, चाहे आजमगढ़ के सांसद व सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या केंद्रीय राज्य मंत्री व आगरा के भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल। विधानसभा चुनाव का जनादेश इनका भविष्य तय करेगा। छूटती है या बरकरार रहती है सांसदी, बात सबसे पहले दो सांसदों की करते हैं। आजमगढ़ के सपा सांसद अखिलेश यादव करहल विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। इसी सीट से भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री व आगरा के भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। बघेल वैसे वर्ष 2017 में भी भाजपा के टिकट पर टुंडला से चुनाव जीते थे और प्रदेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन वर्ष 2019 में वह लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। अब देखना होगा कि 10 मार्च को परिणाम आने के बाद कौन अपना पद छोड़ता है और कौन बना रहता है। चुनावी परिणाम इन दोनों सांसदों का भविष्य तय करेगा। 9 बार विधायक एक बार सांसद। रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद आजम खान 9 बार विधायक और पहली बार सांसद बने। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव पहली बार लड़े और भाजपा की जयाप्रदा को चुनाव हराकर सांसद बने। वह फिर विधायकी के लिए मैदान में हैं। विधानसभा का जनादेश उनके भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। पिता तो पुत्र हुए सपाई। अंबेडकर नगर के बसपा सांसद रितेश पांडेय के पिता राकेश पांडेय सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। वर्ष 2017 में रितेश पांडेय जलालपुर से विधायक चुने गए और वर्ष 2019 में सांसद। बदायूं की भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपाई होकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इलाहाबाद की भाजपा सांसद रीता बहुगुना जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से विधायकी का टिकट चाहती थीं, लेकिन टिकट नहीं मिला। उनके बेटे मयंक जोशी सपाई हो गए हैं। विधानसभा का चुनावी परिणाम इन नेताओं की नई दिशा तय करेगा।